ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा थाना क्षेत्र के भीखनपुर गांव में एक पुरानी रंजिश की वजह से दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। ये घटना तब हुई जब ट्रैक्टर निकालने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया। विवाद के दौरान पथराव, मारपीट और फायरिंग हुई, जिसमें चार लोग घायल हो गए। इलाज के दौरान कमल नाम के एक शख्स की मौत हो गई है। घटना सुबह उस समय हुई जब दोनों पक्षों में ट्रैक्टर निकालने को लेकर झगड़ा बढ़ गया। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव किया और गोलियां चलाई। इस संघर्ष में कमल, शनि, विजयपाल और सविता घायल हो गए। सभी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान कमल की मौत हो गई। कमल की मौत के बाद उसके परिवार वाले रबुपुरा कोतवाली पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर हत्या और दूसरी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया और आरोपी की तलाश के लिए तीन टीमों का गठन कर दिया है। हालांकि घटना के बाद पुलिस को जानकारी मिली कि फरार आरोपियों से रुस्तमपुर बांबा के पास मुठभेड़ हुई है, जिसमें नितिन और निखिल नाम के दो आरोपी घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले गई। वहीं इस घटना को लेकर गौतम बुद्ध नगर के जॉइंट सीपी शिवहरि मीना ने बताया कि ग्रेटर नोएडा के भीखनपुर गांव में ट्रैक्टर निकालने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ, जिनमें पथराव और गोलीबारी हुई। इस संघर्ष में एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश के लिए टीम बनाई गई है। ग्रेटर नोएडा जोन के रबुपुरा थाना क्षेत्र में भीखनपुर गांव में आज सुबह ट्रैक्टर निकालने को लेकर वाद विवाद हुआ। इस वाद विवाद में एक दूसरे के ऊपर पत्थरबाजी की गई। जो घायल थे उनको तत्काल हॉस्पिटलाइज किया गया, जहाँ डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया, जिसको गोली लगी थी। शेष के पत्थर की चोट थी, उनका इलाज चल रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगाई गई थी। इन टीमों के द्वारा जो नामजद आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया गया। इसमें आरोपियों के द्वारा फायरिंग की गई, जिससे पूर्व में दो आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस कर चुकी है। तीसरे जो आरोपी हैं उसकी भी गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस मुठभेड़ के दौरान उसे गोली लगी है। शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी। ग्रेटर नोएडा से अरुण त्यागी की रिपोर्ट, यूपी तक।